संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में आरआई की आईडी को हैक करके 39 फेल अभ्यर्थियों को पास कर लाइसेंस जारी करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर विभागीय अधिकारियों में अफरा तफरी मची गई है और मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला 1 जनवरी का है, जहां पे आरआई के छुट्टी पर रहने के बावजूद प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर दिया गया। इस संबंध में मुख्यालय से आए जोनल परिवहन कमिश्नर डीके त्रिपाठी ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया, ऐसा है कि 1 तारीख को कुल लर्निंग लाइसेंस के 84 एप्लीकेंट्स आए थे, जिसमें 48 पास हुए थे और 36 फेल हुए थे। लेकिन 2 तारीख को जो रिपोर्ट निकलती है नेक्स्ट डे, उसमें ये पाया गया कि 87 लोग पास कर दिए गए हैं और 41 फेल कर दिए गए हैं। 1 तारीख को जो लाइसेंस के अधिकारी हैं तकनीकी आरआई जयसिंह, वो थे नहीं जी। उनकी आईडी को दुरुपयोग किया गया, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हैक की गई या किसी को जानकारी थी। उनकी आईडी का दुरुपयोग करते हुए 39 लाइसेंस और पास कर दिए गए और ये दिखाया गया कि 128 टेस्ट हुए हैं, क्योंकि टेस्ट एआरटीओ ने लिया था और उन्होंने 84 का लिया था। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ये है जो 39 लाइसेंस हैं दूसरे की आईडी से, ये है प्रथम दृष्टया गलत पास किए गए हैं। इस पे किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत और नियमों के अंतर्गत उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक है, वो आज जारी कर दी गई है। कल 11 बजे तक का उन्हें समय दिया गया है कि आप अपना जवाब दें और 11 बजे तक जो भी जवाब होगा उसके बाद, चूँकि वह वरिष्ठ हैं इसलिए उनके निलंबन या अनुशासनिक कार्रवाई के लिए मुख्यालय को पत्र संदर्भित कर दिया जाए। इस संबंध में जब आरआई जयसिंह ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वीकार किया कि उस दिन वे छुट्टी पे थे, उनके संज्ञान में जब मामला आया तो उन्होंने एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया है। छुट्टी भी गए थे? हाँ, एक और दो को भी छुट्टी। क्या हुआ फिर? एक को जो है कुछ पता लगा, कुछ लाइसेंस कुछ इसने कर दिए, तो मैं आके उसकी जाँच किया, जाँच में सारे काम मैंने रोक दिए और उनको उन आवेदनों को मैंने निरस्त करा दिया। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एआरटीओ परिवर्तन सूरज रामपाल ने मामले की लीपापोती करते हुए कहा, सर क्या हुआ? अब पता चला था कि आरआई साहब के जो है कोर्ट से कुछ लाइसेंस हुए हैं, लेकिन आरआई साहब से जांच कराई गई और आरआई साहब ने कहा है कि मैंने अपना जांच करके देखा है, कोई भी मतलब इसमें नहीं किया गया है और कोई अनियमितता नहीं हुई है।